धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी जोरों पर है। सरकार के अंतिम समय में कुंभ मेले का विस्तार करने के फैसले के बाद निर्माण कार्यों में तेजी आई है। हरिद्वार के बैरागी कैंप में बिजली पानी की व्यवस्था को लेकर बैरागी संतों में उत्साह दिख रहा है। वैसे तो धर्मनगरी हरिद्वार में कुंभ मेले की तैयारी 2 साल पहले से चल रही है। सभी अखाड़ों और मठ मंदिरों को सरकार द्वारा सभी सुविधाएं दी जा रही थीं, लेकिन भगवान विष्णु को मानने वाले बैरागी संतों को कोई व्यवस्था न मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही थी। बैरागी संतों के पास हरिद्वार में कोई बड़ी संपत्ति नहीं है, लेकिन सीएम की घोषणा के बाद बैरागी कैंप में जमीन आवंटित की गई। अब वहां पर पूरे जोर शोर पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। इसके लिए साधु संतों ने सीएम तीरथ सिंह रावत के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का आभार भी व्यक्त किया है। सीएम जी की जितनी प्रशंसा करें और जितना साधुवाद दें उतना कम है। साथों साथ प्रधानमंत्री जी को कि भी यहाँ की व्यवस्था डगमगाई हुई थी। आस्था का मेला, पर्व का मेला, धर्म का मेला के लिए जो है लोग हस्तक्षेप कर रहे थे कि किन्हीं कारणों से रुक जाए, धर्मशाला गेस्ट हाउस तक ही सीमित रहे, लेकिन भगवान ने जो है यह धर्म का कार्य है तो रोक नहीं पाया कोई, और जो रोका वो जो है जड़ से समाप्त हो गया। तो उसी का प्रतीक है कुंभ मेला या हरिद्वार। यहाँ के सीएम आए कि भव्य और दिव्य कुंभ मेला हो, उसके लिए उन्होंने आश्वासन दिया, सभी को जो है सूचना भी दिया, अधिकारी पत्रकारों को भी सूचित किया, और साथों साथ काम देखने को जो है, कार्य जो है फील्ड पे भी देखने को मिल रहा है। वहीं बैरागी संतों ने उत्तराखंड सरकार से यूपी के प्रयागराज में हुए कुंभ मेले की तर्ज पर हरिद्वार महाकुंभ मेले को दिव्य और भव्य सकुशल संपन्न कराने की मांग भी की है। इतना ही नहीं, संतों में कोरोना को लेकर भी काफी जिम्मेदारी दिखाई दे रही है। संतों ने हरिद्वार कुंभ मेले में आने वाले अपने अनुयायियों और श्रद्धालुओं से अपील की है कि वो कुंभ मेले में जरूर आएं, लेकिन सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइंस का भी पूरी तरह से पालन करें। संतों का कहना है कि वो भी चाहते हैं कि सनातन धर्म संस्कृति का प्रतीक कुंभ मेला सुरक्षित होने के साथ ही दिव्य और भव्य हो। योगी जी की देख रेख में हुआ, वहाँ के शासन प्रशासन SP कलेक्टर वह सब बहुत एक्टिव थे, तो जो है वैसे ही भव्य और दिव्य यहाँ हरिद्वार कुंभ मेला हो, और साथों साथ जो पूरे विश्व में महामारी जो है चल रही कोरोना के नियमों का पालन करते हुए सनातन धर्म का जो है मेला, संस्कृति का मेला, आस्था का मेला, संस्कृति का मेला भव्य हो, दिव्य हो, उसके लिए देश दुनिया और सभी धर्म प्रेमी जनता जनार्दनों से अनुरोध करूँगा कि गाइडलाइन का पालन करते हुए यह पावन रूपी गंगा में आइए। यह जो शाही स्नान होता है वो हनुमान जी के जो है देखरेख में होता है, इष्ट देव के देखरेख में होता है। तो जैसे कि जो है तीनों अखाड़े जो है जो समय होगा वह समय अनुसार जाएंगे। हरिद्वार में जूना, महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़ा में बड़ी संख्या में नागा सन्यासियों ने डेरा जमाया हुआ है। निरंजनी अखाड़े के सचिव राम रतन गिरी महाराज बताते हैं कि नागा सन्यासी कुंभ के दौरान अपने अखाड़े की छावनी में खुद ही अलग तंबू तो लगाते ही हैं। इस तंबू के बाहर अग्नि का प्रतीक धूना भी प्रज्वलित करते हैं, जिसे कुंभ के अंतिम दिन तक पूजा जाता है। इस धूने पर ही नागा की पूरी दिनचर्या आधारित होती है। इस धुने की भस्म से वो अपना प्रतिदिन भस्म श्रृंगार करते हैं और इसी पर अपना भोजन पकाते हैं। नागा कुंभ के दौरान किसी दूसरे के हाथ का पका भोजन भी ग्रहण नहीं करते। ऐसा है, हमारे नागा सन्यासी ज्यादातर हमारे उत्तराखंड में जंगलों में रहते हैं। हर 3 साल बाद कुंभ मेला होता है। हर 3 साल कुंभ मेला आता है तो हमारे सब 33 करोड़ देवी देवता स्नान करने के लिए आते हैं, तो संत होने के नाते वो भी स्नान करने के लिए आते हैं और पूरा 2 महीने यहाँ रहते हैं। सुबह 3 बजे जल्दी उठ करके नहा धो करके अपना भस्मी लगाते हैं, शंकर भगवान की अनुयायी हैं, और अपना हवन करते हैं, भजन कीर्तन और अपने मौन भी रहते हैं। उनका भोजन धुने पे ही रहता है, कहीं धुना छोड़ते नहीं है। सब अपने उत्तराखंड में, झारखंड में, माउंट आबू में सब अपनी अपनी कुटिया बनी हुई है, सब अपने अपने जंगलों में चले जाते हैं। आसान नहीं है नागा सन्यासी बनना, इसके लिए बाल्यकाल में ही अपने घर का त्याग करना पड़ता है, अपना और अपने परिजनों का जीते जी ही पिंड दान करना पड़ता है, फिर अपने गुरुजनों से सन्यास की दीक्षा ली जाती है। सारे संस्कार होने के बाद धर्म की रक्षा के लिए बताए गए मार्ग पर चलना पड़ता है।
निरंजनी अखाड़े में अपना डेरा जमाए अजय गिरी महाराज बताते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए नागा सन्यासियों ने कई बार युद्ध भी लड़े हैं। उसके उपरांत गुरु महाराज जो है हमारे को अध्यात्म की मार्ग बताते हैं, हमारे मार्ग प्रशस्त करते हैं, फिर उन मार्गों के चलने के बाद हमारे को नागा सन्यासी बनाए जाते हैं। आद्य गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने तो कुंभ मेला नागा सन्यासियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। कुंभ का शाही स्नान करने के लिए सभी नागा सन्यासी पूरे देश से कुंभ नगरी में पहुंचते हैं। इसी कारण लोगों को सभी नागा सन्यासी एक साथ देखने को मिलते हैं। भगवान शिव के उपासक इन नागाओं का मुख्य श्रृंगार भस्म होता है। जिस भस्म को ये अपने शरीर पर रमाते हैं वो भी एक खास प्रक्रिया से तैयार होती है। इनसे जो है राजाओं महाराजाओं से पहले साक्षात करते थे, ज्ञान के माध्यम से उनको मनाते थे, ज्ञान के माध्यम से ना माने तो शस्त्र चलाते थे, उसके लिए नागा बहुत बनाए गए। हमारे नागा सन्यासियों ने कई युद्ध भी लड़े हैं धर्म की रक्षा के लिए। तो हरिद्वार के विभिन्न अखाड़ों में धूना जमाए नागा सन्यासी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय लोग इन सन्यासियों के दर्शन करने अखाड़ों और शिविरों में आशीर्वाद लेने पहुंच रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 100।